नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बदायूं के उसहैद बिजली घर क्षेत्र में 3 दिन से बिजली गुल होने पर रिजोला के राष्ट्रीय बजरंग दल एवं ग्रामीणों ने बिजली घर घेरा। मौके पर पहुंची थाना पुलिस थाना क्षेत्र के गांव के ग्रामीण 3 दिन से बिजली नहीं पहुंचने से परेशान हैं। उनकी धान की फसलें सूख रही हैं। गुरुवार से विद्युत विभाग में कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते आए दिन अंधाधुंध बिजली कटौती की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें, अंधाधुंध विद्युत कटौती पर रिजोला के ग्रामीणों एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों सहित घेराव किया। वहीं दीपक गुप्ता, डिंपल गुप्ता, शिवम गुप्ता, प्रियांश शोभित ठाकुर, भानु श्रीवास्तव, उदय ठाकुर, ओम प्रताप सिंह, प्रमोद, सोनू शर्मा, राकेश शर्मा, अवनीश गुप्ता, जतन शर्मा, अनिल शाक्य, कल्लू कुम्हार, ब्रह्माजीत निराला, अजय सक्सेना, मोनू ऋषभ ठाकुर, सतीश साग के समेत दर्जन भर से अधिक राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता समेत अन्य खेतीहर किसान नगर के बिजली घर उपकेंद्र पर पहुंच गए। SHO सोनू व अन्य लाइनमैन मौके पर मिले। जब रिजोला में 3 दिन से बिजली नहीं आने के कारण पूछा तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था, जिस पर ग्रामीणों एवं कार्यकर्ताओं व विद्युत कर्मचारियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं मौके पर इंस्पेक्टर क्षेत्राम वर्मा भी फोर्स लेकर पहुंच गए। उन्होंने उच्च अधिकारियों को रिजोला गांव में बिजली नहीं पहुंचने के बारे में अवगत कराया। वहीं अधीनस्थों के निर्देश पर बिजली रिजोला में पहुंची। वहीं बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने JSDO पर फोन रिसीव नहीं करने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से जांच कराकर कार्रवाई कर उच्च अधिकारियों से हमने बताया। जी साहब को भी हम पूर्व में बता चुके थे, जब हमने हैंडओवर हमारे ऊपर लाइन हुई थी तब भी हमने बताया था कि सर इसमें कुछ दो तीन जो फीटर हैं वो बंद चल रहे हैं। तो जय साहब ने भी ये कहा था कि मजबूरी इस बात की कि हमारे पास कोई लाइनमैन नहीं है, और एक लाइनमैन जो है सोनू वो टाउन को देख रहा है, लेकिन उसे ग्रामीण इसलिए नहीं भेज सकते हैं, उसे गाँव की लाइनों के बारे में उसकी जानकारी नहीं है। अब इन ग्रामीणों की समस्या का समाधान कब तक होगा? अब देख रहे हैं सर, अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है, सुनने में आया कुछ लाइनमैन को भेज रहे हैं। फिर भी कितना वक्त लग जाएगा? अब सर इस बारे में नहीं कह सकते सर। अवनीश कुमार गुप्ता, रिजोला से। जो बिजली घर का आपने घेरा किया, किस समय किया? सर 72 घंटों से लाइट नहीं जा रही है सर, रिजोला देहात में सर 72 घंटों से लाइट नहीं जा रही, फसल की दुर्दशा हो गई है। धान सूख रहे हैं, बाजरा गिर रहे हैं सर, पकने पे बाजरा इस टाइम निकल रहे हैं, सूख रहे हैं, किसान बेहाल है सर। तो इस संबंध में आपने जे साहब से बात नहीं की? जे साहब फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है उनका। यहाँ के लोग मतलब बातें बना रहे हैं कि ये कमी है, कि वो लाइन की जानकारी नहीं है, फलाने की जानकारी नहीं है। किसान बिल्कुल सबसे सबके फ़ोन लगाए, किसी का नंबर नहीं लग रहा है, कोई मीटिंग में कोई कहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसान की। 72 घंटों से लाइट जा नहीं रही है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है, किसान को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। आपने जिलाधिकारी से बात की थी? जिलाधिकारी का सर हम नंबर ही नहीं लग रहा है सर। जिलाधिकारी के पास मीट अभी बात हुई थी तो बता रहे थे कि मीटिंग में है, बात करेंगे, 12 बजे तक समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपने कोई ज्ञापन वगैरह कुछ लिखा? ज्ञापन पहले भी दिए थे।